हाय फ्रेंड्स, आप गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ मैं। कल रात को मैं सो रही थी और सोई, सडनली मुझे एक झटका हुआ। मैंने कहा कौन है, कौन हो? तो मैंने कहा मैं सुशांत। कुड यू बिलीव कि मेरे ड्रीम में आए, मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मेरे फैंस को बोलो कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? बोलता मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊँगा। मैंने कहा नहीं, मुझे बता, मैं तुम्हारे फैंस को कहना चाहती हूँ। उतर आके तुम शादी करोगी और मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा फिर से, और जो मेरा बच्चा बन के आएगा वो सुशांत होगा। कुड यू बिलीव? आप बिलीव करो या ना करो, दोस्तों मैं सच बोल रही हूँ। मैं कल शॉक हो गई, पसीना पसीना हो गई नींद में। हाँ, तो मैंने कहा सुशांत तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे भाई जैसे हो। उन्होंने बोला हाँ, इस दुनिया ने मुझे बहुत सताया है, इस फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे सताया है, बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ मुझसे छीन भी लिया है। बहुत कुछ मुझे दिया भी है और मुझसे छीन भी लिया है। मुझे बॉयकॉट किया गया पार्टी से, मुझे बॉयकॉट किया गया लॉबी से, मुझे बॉयकॉट किया गया हर जगह से। और मीडिया में ये सभी मीडिया न्यूज़पेपर वाले ये सब लोगों ने मुझे क्या क्या मेरे मुझे इल्ज़ाम लगाए। कभी कहा दिमागी संतुलन ठीक नहीं, कभी कहा ये ठीक नहीं, कभी कहा मुझ पर हमेशा इल्ज़ाम लगाए। मैं जी के क्या करूँगा जब मेरे हाथ में फिल्में ही नहीं हैं। मुझे हमेशा धोखा दिया गया। थैंक यू कंगना कि कंगना ने मेरे सपोर्ट किया और मेरे देश की जनता ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे फैंस ने मुझे सपोर्ट किया, राखी सावंत तुमने सपोर्ट किया। लेकिन उन लोगों को मैं देख लूँगा, अभी भी मैं जिंदा हूँ, भले मेरी रूह जिंदा है। सुशांत ने मुझे कहा शरीर नहीं है तो क्या हुआ, आत्मा जिंदा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरा आँख खुली तो मेरे सामने सुबह 4 बजे थे और 4 बजे का सपना सच होता है दोस्तों। मैं कहती और जितने भी प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मैसेज भी दिया है मुझे, सुशांत ने मेरे ड्रीम में आके, कि आपकी जितनी भी फिल्में अधूरी पड़ी है थोड़ी बहुत, उसमें उन्होंने कहा है कि वो फिल्म को पूरी करें। उनका रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकता, वो कैसे पूरी होगी वो देख ले। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी बहन मेरी दोस्त राखी सावंत का एक एक आइटम सॉन्ग भी रखे, सनी लियोनी का भी एक एक आइटम सॉन्ग रखे, राखी सावंत का भी कॉम्पिटिशन में आइटम सॉन्ग रखे सनी लियोनी के साथ। हाँ, तो ये उनकी फिल्म हिट हो जाएगी, उनके फैंस के लिए सारी फिल्में, उनके फैंस वो जीते थे तो उनके फैंस लोगों ने बहुत सारी फिल्में नहीं देखी। लेकिन आज वो नहीं है, वो मेरी कोख से जन्म लेने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत। तो उनकी जो फिल्में आएगी वो थिएटर में लोग जा के देखें। मैं कहती हूँ ये उनका मैसेज है, मेरे ड्रीम में आके उन्होंने कहा है, उन्होंने पर्सनली मुझे आके कहा है दोस्तों। और आपको पता है उन्होंने मुझे आके कहा है, मेरी बात सुन लो, अब उनकी फिल्में हिट होनी चाहिए सुशांत की फिल्म। उनका ड्रीम था करण जौहर के साथ फिल्म करने का, उनका ड्रीम था सलमान खान के साथ फिल्म करने का, उनका ड्रीम था बहुत बड़ी बड़ी फिल्म करने का। लेकिन कोई बात नहीं, और उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म छिछोरे को अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए। तो ये मैं मैसेज दे रही हूँ उनकी तरफ से फिल्म फेयर वालों को, जो भी हिंदुस्तान का नंबर 1 अवार्ड नाइट है उनके फिल्मों को अवार्ड मिलना चाहिए। ये उन्होंने पर्सनली मुझे मेरे सपनों में आके कहा है, आईफा अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए। तो मैं भी गुहार लगाती हूँ फिल्म फेयर और आईफा अवार्ड वालों को कि सुशांत की फिल्मों को अगर आप उनकी सचमुच इज्जत करते हैं, अगर आप उनको सचमुच श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनकी फिल्मों को अवार्ड से अवार्ड दो, और उनके फैंस लोगों को और उनके लोगों को उनके पेरेंट्स को खुश करो, उनकी फिल्मों को बार बार देखा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सुशांत।